इन दिस सेक्शन आई एल एक्सप्लन हाउ कैन वी फाइंड आउट द फ्यूचर स्पॉट प्राइज़ फॉर आ कमोडिटी एंड फॉर एग्जाम्पल आई एव टेकन गोल्ड एज दैट कमोडिटी और हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम फ्यूचर प्राइस को निकाल सकते हैं अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं और उसमें कोई भी कमोडिटी इन्वॉल्व है जैसे कि मसलन गोल्ड तो हम किस तरह से उस फ्यूचर प्राइस के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर की प्राइस क्या चार्ज करनी चाहिए सपोज फॉर दैट मैटर आई एम वी आर सियोमिंग के आप एक आउंस ऑफ गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगले साल के लिए और अभी आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मदद से आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आप अगले साल एक आउंस ऑफ गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं देर कुड बी टू वेज थ्रू विच यू कैन डू दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट नंबर वन ये हो सकती है कि आप अभी करंट प्राइस के ऊपर करंट स्पॉट प्राइस के ऊपर आप गोल्ड को खरीद लें उसको स्टोर कर लें और जब आपके पास एक साल गुजर जाएगा तो फिर आप हायर प्राइस पे हो सकता है कि अगले साल एक साल गुजर जाने के बाद जो उसकी कीमत हो वो अभी से ज़्यादा हो तो उसको हायर प्राइस के ऊपर आप बेच दें और दिस इज़ वॉट यू कैन डू इमीजिएटली राइट दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या हो सकती है कि बिफोर आई एक्सप्लेन द सेकेंड ऑप्शन वी नीड टू लर्न सम सिम्बल्स जो कि हम लेटर ऑन एक फॉर्मूला के लिए इस्तेमाल करेंगे सो so, आपने अगर ऑप्शन नंबर वन फॉलो करनी है तो उसके ऊपर जो अभी स्पॉट प्राइस आपको पे करना पड़ेगा सपोज हम उसको कैपिटल एस कह रहे हैं और एक साल गुजर जाने के बाद जिस कीमत पे आप उसको बेचोगे दैट वुड बी एस वन के एक साल गुजर जाने के बाद की सेल प्राइस स्पॉट प्राइस है आपके पास एस वन सो नाउ इफ आई वॉन्ट टू मायर और एस्टिमेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन गोल्ड बाय यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन तो जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट कैन बी एस्टीमेटेड बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन अगले साल कितना स्पॉट प्राइस मुझे मिलेगा अभी मैं अदा कर रही हूँ इस डिफरेंस को मैंने अभी जो करंट प्राइस करंट स्पॉट प्राइस है स्पॉट प्राइस उससे डिवाइड कर दूंगी और इसमें यहाँ आपने एक छोटी सी चीज़ देखी है दैट इज वी हैव यूज अ माइनस का साइन एंड देन वी हैव यूज दिस लिटिल बी इस पर्टिकुलर चीज़ में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है आपका स्टोरेज का कॉस्ट क्यों इसलिए कि आप अभी सोना खरीद रहे हो और उसको अगले साल आप बेच रहे हो तो आप उसको आप हाथ में लेके तो नहीं फिर सकते या टेबल पे नहीं रख सकते तो आप उसको कहीं आपको कहीं स्टोर करना पड़ेगा उसको हिफाजत से रखना पड़ेगा ताकि वो अगले साल आप उसको बेच के उसके ऊपर कोई रिटर्न हासिल कर सके तो वो जो स्टोरेज कॉस्ट है वो हो सकता है आपने बैंक के लॉकर में डाला है उसको तो उसके ऊपर आपको कोई मनी देनी पड़ेगी तो आपका जो रिटर्न है नेक्स्ट ईयर की स्पॉट प्राइस माइनस अभी की स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाय अभी की स्पॉट प्राइस में से आपको वो जो स्टोरेज का कॉस्ट है वो सब्ट करना पड़ेगा एंड दैट विल हेल्प यू इन एस्टिमेटिंग द रेट ऑफ रिटर्न इफ यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन राइट सो दिस इज ईजी राइट सो अभी क्या हुआ कि इफ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग अभी हमने ज्यूम किया सपोज हमारे पास जो बी है स्टोरेज कॉस्ट है वो है टू परसेंट पर ईयर और जो कीमत थी स्पॉट प्राइस अभी गोल्ड की दैट इज थ्री हंड्रेड डॉलर और थ्री हंड्रेड डॉलर को आपने एस वन आपको पता नहीं अभी कि कितना कीमत मुझे मिलेगी फ्यूचर में तो एस वन आपने रहने दिया इसको फॉर्मूला में तो रिटर्न ऑन गोल्ड विल बी सिंपली एस वन द फ्यूचर स्पॉट प्राइस माइनस द स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाय द स्पॉट प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ गोल्ड विच इज टू परसेंट उसको हमने यहाँ माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू के तौर पर शो तो किया है तो दिस विल गिव यू द रेट ऑफ रिटर्न अगर आप ऑप्शन ए पे या ऑप्शन वन पे जाते हैं ठीक है दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है अन अदर वे इज टू टेक द सेम थ्री हंड्रेड जो अभी आपने जिससे सोना खरीदा था आप सोना नहीं खरीद रहे आप सोने की बजाय आपने उसके ऊपर उसको सिंथेटिक गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर और उसके ऊपर आपने स्पॉट प्राइस डाला और सिंथेटिक गोल्ड के ऊपर आपको ये पता है कि इसकी कीमत रिस्क फ्री है इसके ऊपर बड़े बड़े फ्लक्चुएस नहीं आएंगे सिंथेटिक गोल्ड है तो इसके ऊपर दिस इज अ रिस्क फ्री एसेट सो आई विल बी आई एम एक्सपेक्टिंग अ फिक्सड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग और इन दिस काइंड ऑफ इफ यू गो फॉर दिस काइंड ऑफ आर ट्रांजेक्शन तो आप यू कैन गो फॉर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सपोज जिसकी डिलीवरी डेट एक साल के बाद की है और उस वक्त आपको जो कीमत अदा होगी दैट इज कैपिटल एफ नाउ द रेट ऑफ रिटर्न फॉर सिंथेटिक गोल्ड यूजिंग द प्रीवियस फार्मूला जैसे फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम रेट ऑफ रिटर्न अगर निकालना चाहें तो ये सिंथेटिक गोल्ड का रेट ऑफ रिटर्न है जिसके लिए मैंने इसके ऊपर कैप डाल दिया राइट तो आर जी कैप इज इक्वल टू ये जो आपका एस uh, वन है फ्यूचर का रिटर्न राइट और उसके बाद में आपने निकाली फ्यूचर uh, की जो आपको कीमत मिलेगी सिंथेटिक गोल्ड के ऊपर माइनस जो आपकी फॉरवर्ड प्राइस है डिवाइडेड बाय एस प्लस यहाँ पे हमने आर को एड किया है वॉट इज दिस आर रिस्क फ्री रिटर्न इज इन दिस एग्जाम्पल एज एटेंट नाउ इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न इफ यू गो फॉर ऑप्शन नंबर टू यानी कि आप सिंथेटिक गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करते हैं अपने तीन सौ डॉलर तो उस केस में आपको जो रिटर्न मिलेगी वो क्या मिलेगी उसमें आपने कहा कि हमने Uh, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में गए इस सोने के साथ और वहाँ पे हमने जो आपको मिलेगी स्पॉट प्राइस फ्यूचर में माइनस एफ डिवाइडेड बाय अभी जो आपने पैसे अदा किए हैं थ्री हंड्रेड लेकिन क्योंकि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं लिहाजा वहाँ से आपको जो रिटर्न मिल रही है दैट इज़ एट परसेंट और ये हमने डिफाइन किया हुआ इसको ऑलरेडी कि हमारा रिस्क फ्री रिटर्न ऑन दिस पर्टिकुलर सिंथेटिक गोल्ड इज गोइंग टू बी एट परसेंट सो ये यहाँ पे जमा होने वाला है ओके okay. नाउ बाई यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन वी हैव दिस पर्टिकुलर लॉ विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ वन प्राइज वो कहता है कि जब डिमांड और सप्लाई के इंटरक्शन से जो मार्केट में किसी भी कीमत कोई भी चीज़ों की कीमत इवेंचुअली तयन होती है दैट इज वन ऑलवेज द सेम प्राइस तो चूंकि हम गोल्ड की बात करें तो इवेंचुअली जो आपके डायनामिक्स हैं लॉ एंड लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड को इस्तेमाल करते हुए या मार्केट फोर्सेज को या मार्केट मैकानिजम को इस्तेमाल करते हुए आपके जो प्राइस है दैट दैट विल द प्राइस द दियम प्राइस दैट विल बी इस्टिश इन द मार्केट इट इज़ गोइंग टू बी द सेम प्राइस और उस पर्टिकुलर प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया हमने जो पहले सिचुएशन नंबर वन या केस नंबर वन जिसमें हम इमीडिएटली सोना खरीद रहे थे उसके ऊपर स्टोरेज का कॉस्ट दे रहे थे और उससे हमें कोई ट्रांजैक्शन कर रहे थे वहाँ से जो हमें रेट ऑफ़ रिटर्न मिलने वाला था उस पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न को हमने इस पर्टिकुलर केस नंबर टू के रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मुला बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं बी को कैलकुलेट किया जा सकता है आर की वैल्यू हमें पता है एट परसेंट है आपके पास करंट स्पॉट प्राइस पता है थ्री हंड्रेड डॉलर इस एग्जाम्पल में है फाइन सो वी कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ यानी कि फ्यूचर प्राइस क्या होगा गोल्ड का नाउ solving the 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 expression, अभी ये जो हमने ये वाली relationship है इसको अगर हम solve कर लें F के लिए तो वी कैन सी दैट can कैन बी सिम्प्लीफाइड एज सिंपली वन r plus b multiplied by S. और मेरे पास ये वन plus r plus b सारे के सारे bracket में है ये सारे के सारे मेरे spot price के साथ में multiply हो रहे हैं और इफ़ वी द गिवन इन्फॉर्मेशन वॉज के जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था वो आठ परसेंट है जो हमारा कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है वो टू परसेंट था और वन आपका पास फॉमूला का है तो इसको आपने तमाम को जमा किया तो इट टर्न आउट टू बी वन पॉइंट वन जीरो नाउ वन पॉइंट वन जीरो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्पॉट प्राइस के साथ तो आपके पास आ गई तीन तीन सौ तीस डॉलर विच इज़ द फ्यूचर प्राइस सो हमने यहाँ से देखा कि अगर आप किसी भी कमोडिटी के लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं तो आप अवेलेबल इंफॉर्मेशन की मदद से फ्यूचर प्राइस क्या होगा उसको डिराइव कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला और ये हमने डिराइव कैसे किया वो भी हमने सीखा था बट फ्रॉम द ऑन द बेसिस ऑफ दिस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन यू कैन सी दैट इट इज़ वेरी इट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजिली दैट थ्री हंड्रेड एंड थ्री थर्टी शुड बी द फ्यूचर प्राइस ऑफ द गोल्ड विच यू आर गोइंग टू सेल इन द नेक्स्ट ईयर और इफ़ सपोज यू वॉन्ट टू बा नेक्स्ट ईयर अगैन दिस शुड बी द फ्यूचर प्राइस जहाँ आपने असेस किया है अपना कोई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को भी अकाउंट फॉर किया और आपने स्टोरेज कॉस्ट को भी अकाउंट फॉर किया है और फ्यूचर प्राइस निकाल